हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है व्यावसायिक संगठन प्रोफेशनल एसोसिएशन का, ठीक है। और जो हमारे नेशनल एसोसिएशन है वो तीन है, आईएलए, इस्लिक और एटलिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन, देखिए जो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1933 में की गई थी। भारतीय पुस्तकालय संघ, देखिए ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी आया है और 20 में भी आया है, ठीक है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो था उसमें आया है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ की जो स्थापना है वो 13 सितंबर 1933 में की गई थी, और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो XX1 ऑफ 1860 है, और जो इसका कार्यालय है वो मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, एबगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। जो उसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो एबगिला है वो है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सर्वप्रथम प्रकाशन 1972 में लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका के नाम से किया गया है। जो यह प्रकाशन 1946 में बंद करने के बाद में लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका को एबगिला के नाम से 1949 से 1953 तक प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, एटलिस का पूर्ण रूप क्या है। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एटलिस द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है। क्वेश्चन नंबर फोर, हु पब्लिश इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया है, RPSC का जो लाइब्रेरियन थर्ड सेकेंड ग्रेड है उसमें आया है। इस्लिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना SL होरा जियोलॉजिस्ट ने 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में किया था, और इसका जो मुख्यालय है वो कंकुरगाची कोलकाता में है, ठीक है। ILSA इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन इस्लिक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। जो ILA है वो 1933 में किया गया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ILA इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 13 सितंबर 1933 को हुई थी। जो उसके प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एम ओ थॉमस थे, जो ये रहे हैं 1933 से 1937 तक रहे थे, मतलब जो इनका कार्यकाल है वो, ठीक है। जो प्रोफेसर PB मंगला थे 1981 से 1983 तक रहे हैं, और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो उसके तीसरे अध्यक्ष थे 1988 से 1990 तक, ठीक है। CP वशिष्ठ भी रहे हैं 1992 से 1994 तक, और इन्हीं के समय IFLA वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस दिल्ली में आयोजित की गई, और तथा जो प्रोफेसर PN कोला थे वो 1996 से 1998 तक रहे, और वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष है वो क्या है, प्रोफेसर BD कुंभर हैं। 2019 और 2022 तक ILA के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, BNB एंड INB ग्रंथ सूची के उदाहरण क्या है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है, का प्रकाशन जो है वो लंदन से होता है, और यह ब्रिटिश म्यूजियम में प्रत्येक सप्ताह प्राप्त किए गए नवीन प्रकाशनों को सूचीबद्ध करता है। इसका जो 1950 में प्रिंट साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, तथा सन 1903 से इलेक्ट्रिक साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब पहले तो जो प्रिंट साहित्य था वो 1950 से हो रहा था, और जो इलेक्ट्रिक है वो 2003 से हो रहा है। BNB ने 1969 से मानक पुस्तकालय संख्या स्टैंडर्ड बुक नंबर देना शुरू किया। INB इंडियन लाइब्रेरी ठीक है, जो INB है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसका प्रकाशन जो है अक्टूबर दिसंबर 1957 से 1963 तक, जो त्रैमासिक है मतलब क्वार्टरली है, से प्रकाशित हो रहा है, और उसके बाद मासिक रूप से प्रकाशन किया जाता है। इसका जो प्रकाशन है वो कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी से किया जाता है। यह भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की स्वीकृति अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए सी वोलनर तथा ए एम थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? ठीक है, जो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, फाउंडेशन ऑफ आईएलए। देखते हैं, ए सी वोलनर और ए एम थॉमस आईएलए की स्थापना से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 8, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने आईएलए स्थापित करने के प्रयास किए थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी सी वोलनर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रंगनाथन और ए सी वोलनर ने मिलकर आईएलए को स्थापित करने का प्रयास किया था। आईएलए के जो त्रैमासिक पत्रिका का नाम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी आईएलए बुलेटिन। ठीक है, ये क्वार्टरली है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आईएलए इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन 13 सितंबर 1933 को फर्स्ट ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कलकत्ता में हुआ था, जिसके चेयरमैन थे सी वोलनर। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में ना थोड़ा थोड़ा कुछ मिस्टेक दिया है, मतलब मिसप्रिंट कह लो या फिर मिस्टेक कह लो, तो थोड़ा पढ़ने के बाद फट समझ आ जाता है। ठीक है, गलत नहीं दिया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना 13 सितंबर को 1933 को की गई है और इसका जो तत्कालीन कार्यालय कलकत्ता में था। ठीक है, 1946 में इसका जो कार्यालय है दिल्ली में स्थानांतरित किया गया, इसको जो पुनः 1953 में है कलकत्ता लाया गया, फिर 1964 में इसे स्थायी तौर पर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, उस समय मतलब जो भी इसके टाइम्स है इसको ध्यान से पढ़ना, मतलब कब पहले कहीं था तो फिर दोबारा वहीं, फिर दोबारा फिर वहीं पे चला गया, और फिर जो लास्ट में है फिलहाल ये दिल्ली में शिफ्ट कर दिया परमानेंटली। ठीक है, उस समय इसका कार्यालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में था, इसे वर्तमान कार्यालय में 1982 में स्थानांतरित किया गया। आईएलए के जो प्रथम सचिव थे वे के एम असादुल्ला और प्रथम जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर एम ओ थॉमस थे, निर्वाचित हुए थे। ठीक है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर बी डी कुंबर है और जो सचिव है वो डॉक्टर ओ एन चौबे है। जो आईएलए के प्रकाशन है एप गिल्ला मतलब एबीजी आईएलए मतलब एनल्स है, बुलेटिन है और ग्रंथालय। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ए से बन गया एनल्स, बी से बन गया बुलेटिन और जी से बन गया ग्रंथालय। ठीक है, तो आईएलए के ये प्रकाशन है, का जो प्रकाशन है 3 खंडों में 1949 से 1954 तक। फर्स्ट आईएलए न्यूज़लेटर जो है इसका मंथली है, और जो आईएलए के जो बुलेटिन है मतलब जो एबगिल है ये त्रैमासिक जो है 1975 से है। ठीक है, और जो लाइब्रेरी जो बुलेटिन है वो 1942 से 1946 है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो वो आईएलए या सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है भारत का, सिर्फ इसमें यहाँ भारत की बात की गई है। ठीक है, जो आईएलए इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन 13 सितंबर 1933 को फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कलकत्ता में हुआ था, जिसके चेयरमैन ए सी वुलनर थे, और इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को की गई थी। जो तत्कालिक कार्य था वो कलकत्ता में था, 1946 में जो इसका कार्यालय वो दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, फिर 1953 में इसको दोबारा फिर कोलकाता में ले जाया गया और 1964 में इसको परमानेंटली दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय इसका कार्यालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में था, इसे वर्तमान कार्यालय 1982 में स्थानांतरित किया गया। जो जिला के प्रथम सचिव थे, जिला सॉरी एक गलत लिखा हुआ है, जो आईएलए आना है यहाँ पे। ठीक है, आईएलए के जो प्रथम सचिव थे वे के एम असादुल्ला और प्रथम जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर एम ओ थॉमस, निर्वाचित हुए थे। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो पी डी कुंबर है प्रोफेसर, और जो सचिव है डॉक्टर ओ एन चौबे है। ठीक है, जो इसके जो प्रकाशन है वे दोबारा दिए गए, दोबारा देख लेते हैं, ए बी जी आई एल ए एनल्स है, बुलेटिन है, ग्रंथालय है। जो इनका प्रकाशन है वो 3 खंडों में होता है, 1949 से 1954 तक। ठीक है, न्यूज़ लेटर मंथली है, और जो बुलेटिन है वो 1975 में है, त्रैमासिक है, और लाइब्रेरी जो बुलेटिन है 1942 से 1946 है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, एटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ, जो एटलिस किसका संघ है? वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का संघ है। ठीक है, जो इसकी स्थापना थी वो 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। जो एसोसिएशन के प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, वो है शिक्षा में विचारों का आदान प्रदान तथा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देना तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देना है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर जगतार सिंह है। इसका हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित ग्रंथालय संघों की इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार में रखें। ठीक है, मतलब आइजली है और एसलिब है।
देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो इसका ऑप्शन नंबर है वो सी है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। अच्छा, आइजली एशलेब, और यहाँ पे दिया गया ए एल ए और एस एल ए। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट है वो ए एल ए है, अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना, जो सबसे पुराना संघ है लाइब्रेरी एसोसिएशन वो ए एल ए है। जो इसकी स्थापना थी वो 6 अक्टूबर 1876 में की गई थी मेलविल डेवी के द्वारा। जो इसका मुख्यालय है वो शिकागो में है, USA में। ठीक है, ए एल ए की स्थापना मेलविल जो डेवी थे उनके प्रयासों से हुई थी। फिर है सेकेंड एस एल ए, स्पेशल लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो मैकलिन वर्जीनिया वॉशिंगटन में है। ठीक है, फिर थर्ड है एसलिब एसोसिएशन ऑफ थर्ड है एसलिब एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की स्थापना जो है 1924 में हुई थी, और 1984 में इसका नाम चेंज किया गया था। जो इसका मुख्यालय है वो हॉवर्ड हाउस वैगन लेन बिगिनली यूनाइटेड किंगडम में है। जो फोर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की जो स्थापना है वो 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में हुई थी, एस एल ओरा के द्वारा, जो एक जोलॉजिस्ट थे, और जो का मुख्यालय है वो कोलकाता में, कंकरकाची कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखते हैं और, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933। ठीक है, ILA आया था, ILA एसोसिएशन आया था जो रंगनाथन ने दिया था। ILA जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 13 सितंबर 1933 में की गई थी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है वो एक्सेस फर्स्ट ऑफ 1860 है। ठीक है, इसके तहत ये स्थापित किया गया था, और जो इसका कार्यालय है वो मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है। और ILA बुलेटिन नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है 1965 से प्रारंभ किया गया। 2011 में जो इसका नाम है वो जनरल भारतीय पुस्तकालय संघ ILA कर दिया गया, 2011 से इसका नाम। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, आप इसको जरूर मार्क कर लेना। ठीक है, जो इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो त्रैमासिक क्वार्टरली रूप में किया जाता है। ILA एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है जो इस विषय पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करता है। ILA को UGC द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल किया गया। ILA के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर शबाहत हुसैन है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का जो प्रारंभ है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एसलिक के द्वारा किया जाता है, आइजलिक। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो है इसकी फुल फॉर्म है, भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है, और भारत में विशेष लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। जो इसकी स्थापना है वो 3 सितंबर 1955 में हुई थी, कंकुर कांची कोलकाता में, एस एल होरा जो एक जोलॉजिस्ट थे इनके